नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। रामेश्वरम में धनुष कोड़ी की यात्रा के दौरान हमें एक अद्भुत पत्थर को देखने और छूने का अवसर प्राप्त हुआ। ये वही पत्थर है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। ऐसे पत्थरों की मदद से श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुँचे। आप सभी ने राम सेतु का नाम अवश्य सुना होगा। राम सेतु ऐसे चमत्कारी पत्थरों से बना था। राम सेतु को नला सेतु के नाम से भी जाना जाता है। नला ही इस सेतु के वास्तुकार थे। रामायण के इतिहास से पता चलता है कि नला और नीला भाई बंधु थे। वे बहुत ही शरारती बच्चे थे। जो भी उनके हाथ आता था वे उसे समुंदर में फेंक आते थे। एक दिन इनकी शरारत से तंग आकर उनके पिता ने दोनों को श्राप दिया कि जो भी वे समुंदर में फेंकेंगे वो ऊपर ही तैरेगा। और यही श्राप उन्हें वरदान की तरह काम आया। जब श्री राम को देवी सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए लंका पहुंचना था, वे सभी इन्हीं पत्थरों से बने गए पुल से लंका पहुँचे। इस पत्थर का बनावट बहुत ही अद्भुत और नायाब है। और जैसा आप सोच रहे होंगे, ये किसी भी प्रकार में पमिस पत्थर की तरह नहीं है। ये पत्थर बहुत भारी है। इसका वज़न करीब 20 से 25 किलो का है। और फिर भी ये फूल की तरह पानी में तैरता है। आप जितना भी इसे अंदर डालने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप इसे छोड़ोगे ये तुरंत ऊपर आ जाएगा। आपको ऐसे पत्थर सिर्फ रामेश्वरम, कुछ तीर्थ यात्रा वाली जगहों पे और श्रीलंका में देखने मिलेगा। हमारे लिए इसे देखना और छूना बहुत ही अनोखा अनुभव था। उम्मीद है आप सभी को भी इस वीडियो को देखकर कुछ ऐसा ही लगा होगा। धन्यवाद। तत्परा अहोरात्रा।